जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का जो विजिट हुआ है हमारे तीन मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें जालावान, तुर्बत और लोरालाई शामिल हैं, उन्होंने कुछ क्वारीज उनके हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में उनकी एक टीचिंग हॉस्पिटल होनी चाहिए तकरीबन कोई 300 बेड के करीब। इसके अलावा नंबर ऑफ फैकल्टीज भी उसमें वजह की गई हैं, फिर जो हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है वो भी उसी के मुताबिक होने चाहिए। और इसी तरह उसने कंडीशनली इन कंडीशंस को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को अरसाल कर दिए हैं। उस पे उस दिन कैबिनेट में एक तफसीली जो है एक गुफ्तगू हुई। इन तीनों मेडिकल कॉलेज में जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने फैसला किया है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, पहले तो वो DHQs थे, उनको अपग्रेड करके टीचिंग हॉस्पिटल बना दिया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो है अच्छा खासा फंड रिलीज कर दिया है, ताकि उनकी जो अगली विजिट होगी उसमें ये जो सारी जितनी भी क्वारीज और जितनी भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस जो है उठाए हैं रिकग्निशन के हवाले से, वो जो है रिमूव हो जाए। और इंशाल्लाह ताला जब अगली इनकी विजिट हो जाएगी तो हमें कभी उम्मीद है कि वो रिकग्नाइज हो जाएंगे। जिस तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ रुक ने कहा कि जी वो डी रिकग्नाइज हो रहे हैं, ये इस तरह कोई बात नहीं है, उनकी कुछ कंडीशंस हैं। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, जहां पे हमारे एक मोअज़्ज़ज़ रुक ने तफसीलन जो हमारे एहतजाजी मुलाजमीन हैं जो 25% का डिमांड कर रहे हैं उन पे गुफ्तगू की और अच्छा खासा जो है उन्होंने एक बड़ा लंबा छोड़ा लेक्चर झाड़ दिया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि एक तवज्जो दिलाओ नोटिस आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है 101 अरब का जो है वो डेफिसिट बजट इन्हांस हो रहा है, वो 101 अरब तक जा रहा है। उस पर मैंने उनको एक तफसीलन जवाब दे दिया था। लेकिन जहां तक हमारे एहतजाजी मुलाजमीन का सवाल है, जनाब स्पीकर, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसके मुलाजमीन जो है सड़कों पर आए एहतजाज करें। और इस बात पर हम मुत्तफिक हैं कि अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और हमारे जो क्लास 4 बल्कि 15 ग्रेड के नीचे जो पे स्केल ग्रेड जो है उनके नीचे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये मुश्किलात सूबे बलूचिस्तान ने पैदा नहीं किए हैं बल्कि पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है कोविड पेंडेमिक की वजह से, जहां पे दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, बहरी निजाम जो है मंजमद हो गया है, इसी तरह कारोबार जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था और डेफिनेटली एक जो टैक्स कलेक्शन है पूरी दुनिया की जिसमें गवर्नमेंट चलती है, जिनका रियासत चलता है, वो मुतासर हुआ और बुरी तरह मुतासर हुआ। इस दफा हुकूमत बलूचिस्तान के जो डिविजिबल पूल के जो पैसे मिलने थे पिछले साल 281 बिलियन थे और इस साल जो है 251 बिलियन बलूचिस्तान को मिलने जा रहे हैं। इसमें गो के हमारे सूबे का जो सेवंथ एनएफसी वार्ड में जो हमारा शेयर है वो प्रोटेक्टेड है। आपको पता होगा कि जो पिछले साल फेडरल रेवेन्यू टारगेट था वो 5.5 बिलियन का था और इस साल जो है 4.9 बिलियन डॉलर उसमें ट्रिलियन रुपए है, तो इसमें डेफिनेटली हमारा ये सारा कम हो गया है। जनाब स्पीकर, जहां तक देखें बात आ गई मुलाजमीन की, हमारे गवर्नमेंट के तकरीबन कोई 2,20,831 मुलाजिम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हैं। मैं और बलूचिस्तान की आबादी को आप लें, बलूचिस्तान की आबादी 1,20,00,000 आबादी है। दुनिया में अगर आप बजटिंग करते हैं, बजटिंग एक डेवलपमेंट कंपोनेंट है जिसका बराह रास्त, जिसको हम PSDP कहते हैं, जिसका जो है जो इम्पैक्ट है वो बराह रास्त पब्लिक पे होता है, जहां पे नई सड़कें बनाते हैं, नए हॉस्पिटल्स बनाते हैं, नए स्कूल बनाते हैं, इसी तरह जो है बाकी महकमों में बाकी शोबों में नए इंटरवेंशन करते हैं, वो आप डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत करते हैं। दूसरा कंपोनेंट आपका जो है नॉन डेवलपमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है और जिसमें सैलरी भी है, और इसमें सैलरी का चंक काफी ज्यादा है, कोई 290 अरब के करीब है। अगर हमारी डेवलपमेंट पे आप देखें वो 108 बिलियन की डेवलपमेंट है, जो अगर रेशनल होकर देखें तो पिछले साल हमने जो यूटिलाइजेशन की 75 अरब की, इस साल तकरीबन अराउंड इसी तरह के जो 75 अरब तक हम यूटिलाइज कर लेंगे, और इससे जो पिछले अदवार हैं उसमें कोई 40 अरब
कोई 30 अरब, कोई 50 अरब, इसी तरह आप इसका जो है रेशो निकालें जो पब्लिक पे खर्च हुआ है। इसका मतलब है 2,01,20,00,000 में से जो पब्लिक पे खर्च हुआ है 1 करोड़ आपका जो है 1 करोड़ 19 लाख और 1 करोड़ 19 लाख लोगों पे जो है आपके 50 अरब खर्च हुए हैं और बाकी जो 2 लाख लोग हैं उन पे जो है आपके 70% जो आपका बजट है उसमें जा रहा है। जनाब इसमें मेरी बात अगर मुकम्मल करें, आप बैठ सुनिए, आप प्लीज सुनिए, आप देखिए, आप अपोजिशन लीडर साहब,